For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. Morning, darling. कौन हो तुम? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, सवाल कर रहा हूँ। मेरे साथ रात गुजारने के बाद तुम मेरा नाम भी भूल गए? Excuse me. कोई भी आदमी किसी औरत का नाम याद रखने के लिए उसके साथ रात नहीं गुजारता है। हाँ, अब याद आया, तुम उन्हीं लड़कियों में से हो ना जिसका फैशन कैलेंडर के लिए कल रात को हमने तस्वीरें ली थी। मेरा सिर्फ फोटो याद रखने के लिए शुक्रिया। फोटोग्राफी इज माय पैशन, और वैसे भी जिंदा लोगों से ज्यादा जान मुझे उनकी तस्वीरों में नजर आती है। See what I mean? हेलो रिकी शर्मा। मिस्टर रिकी शर्मा, दिस इज शीना रॉय। शीना, अब ये एक नाम है जो मैं भूल नहीं सकता। Are you sure, शीना रॉय? क्यों, कोई शक? नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि मुझे शीना रॉय ने फोन किया। तो आके मिल लो, मैं वही शीना रॉय हूँ जिसकी एक तस्वीर के लिए तुम बरसों से तरस रहे हो।
एक घंटे में आपके घर? No, at the Mercury gym. You got me. रिकी के कैमरा से कोई भी हसीना बच नहीं सकती, और फिर वो शीरा रॉय क्यों ना हो. सॉरी स्वीरी, मुझे जाना है, I've got a date. और जाते वक्त दरवाजा ठीक तरह से बंद कर देना. शीना, तुम शरीफों की तरह बाहर इंतजार नहीं कर सकते? Come on, शीना, मैं ऐसी बेहोदा हरकतें नहीं करता हूं. हाँ, जिन्हें खुद पे हद से ज्यादा भरोसा हो वही ऐसी हरकतें करता है. Relax, शीना, बरसों बाद तुमने मुझे बुलाया है, अब तो दोस्ती कर लेते हैं. Let's get to work. लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में फिल्म रोल की तरह होती हैं, रोल खत्म रिश्ता खत्म. शीना, तस्वीर निकालने से पहले मैं हर तस्वीर के साथ जीता हूं, करीब से महसूस करता हूं, प्यार करता हूं, तभी तो मेरी हर तस्वीर में जान आती है. और फिर प्यार का फरेब देकर तुम उनका दिल तोड़ते हो, फिर उन पर क्या गुजरती है तुम जानते हो? लगता है मेरे खिलाफ कोई तुम्हारे कान भर रहा है. निशा, तुम यहां? शुक्र है, तुम इसका नाम तो नहीं भूली. तुमने निशा के साथ जो हरकत की उसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बच गई. शायद ऊपर वाला भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की वजह से कोई अपनी जान गंवाए. निशा, तुमने शीना से क्या कहा? Look, this is ridiculous. शीना, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है. निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड को चोट पहुंचाए ये शीन और रॉय बर्दाश्त नहीं कर सकती. शीना, फॉर गॉड सेक, मैंने निशा के साथ कुछ नहीं किया है. ये खमागा बोलती जा रही है और तुम इसका यकीन कर रही हो. स्वीरी, Can I give you a beauty tip? Sure. तुम्हें अपने बालों को खुला रखना चाहिए, तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी. Thank you. हाँ. Vicky, मेरी सेक्रेटरी से फ्लर्ट करना छोड़ दो. छोड़ दूंगा. 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. नहीं मिलेंगे, पहले पिछला कर्जा चुकाओ. पिछला कर्जा चुकाने के लिए तो अगला कर्जा मांग रहा हूँ मैं. क्या हो गया अपने बिजनेस सेंस को मिस्टर मेवा वाला? बातें अच्छी बना लेते हो, ऐसे ही पैसे बनाकर दे दो. वही तो कर रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते मेरा एग्जीबिशन. I don't want to hear about it. Best of Vicky Sharma. Forget it. उसी दिन नया पुराना जो नहीं लिया सब चुकता कर दूंगा मैं. No way. Come on. आखिरी लोन है रिकी, नेक्स्ट टाइम वी मीट इन कोर्ट. हेलो.
एंडीज का नाम क्या था? जेसिका। जेसिका? राइट, ये सबसे अच्छी थी। इसको सेंटर में रखना। ओके। और ये क्या म्यूजिक लगा रखा है? लेट्स हैव सम हिप हॉप। दिस इज पेज 3। आई थिंक इसकी कीमत दुगनी होनी चाहिए। यू बेट। इसको इस मूड में लेके आने के लिए मैंने 6 घंटे बर्बाद किए। एक्सक्यूज मी, अभी एग्जीबिशन खुला नहीं है, शाम को 7 बजे। हाउ मच फॉर ऑल दीज? Excuse me? इन सब का कितना लोगे? होलसेल डीलर लगते हो। सब्जी मंडी पिछली गली में। This is my exhibition. It's my art. जो भी है, इस आर्ट की कीमत क्या है? जिनके पास पैसे ज्यादा हो और आर्ट की समझ कम, मैं उनको अपना आर्ट नहीं बेचता। इस वक्त तुम्हारे पास आर्ट ज्यादा, पैसा कम और समझ बिल्कुल नहीं, कीमत बोलो। Let me shock you. 24 photographs, 30 lakhs. 30 lakhs? मुझे लगा ही तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। से आपका नाम समझ में नहीं आता। तुम्हें शक हो तो मेरे बैंक मैनेजर से बात कर सकते हो, लेकिन आई थिंक उससे पहले तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिनका तुम पर कर्ज है, वरना वसूली करने वाले तो इसे भी ज्यादा कपड़े उतार लेते हैं। डोंट वरी, चेक कैश होने के बाद ही मैं फोटोग्राफ लेने आऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। Good day. Excuse me. ये कोई मजाक तो नहीं है ना? कौन हो तुम? All in good time. Enjoy the exhibition. Good show, Ricky. Thank you. Ricky ki photographs se ek inner beauty jhalakti hai. Kyun Mr. Jumani? You're quite right. But shall I tell you a secret? Actually, Ricky ka naam Rishi tha. Spelling maine hi change karke SH nikal ke CK laga diya. To Rishi Ricky ban gaya. Aur kya se kya ban gaya? Really? Yes, but it's a secret. Don't Actually, tell everybody. Okay. Good evening. इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन हॉल में और हमारे साथ है खुद रिकी शर्मा। हाय रिकी। How are you doing? Zoom Style R में आपका स्वागत है। Thank you. रिकी, आपने बहुत सारी मॉडल्स को शूट किया है लेकिन उनमें से यहाँ कोई नहीं है, क्या ये सच है कि इसके पीछे आपकी सो कॉल्ड रोमांटिक इमेज जिम्मेदार है? Actually, सच तो ये है कि मॉडल सिर्फ तस्वीरों में अच्छी दिखती है, वो भी अगर मैंने खींची हो तो। सुना है कि आपकी सारी फोटोग्राफ्स एक आदमी ने खरीदी है, क्या आप उनका नाम बताएंगे? मैम, तस्वीर खींचने वाले का पूछिए, खरीदने वाले का नहीं। Excuse me. Is it true that you have an affair with all your models? No comments.
So, कैसा रहा तुम्हारा एग्जीबिशन? अब वेरी सक्सेसफुल. किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक आदमी ने सारे फोटोग्राफ खरीद लिए. मुझे लगा तुम आओगे. मुझे तुम्हारे इस आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है. तो फिर इतनी बड़ी रकम देने का तुम्हारा मकसद क्या था? मकसद बहुत सिंपल है, तुम्हारा वो दूसरा आर्ट. मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को तुमसे प्यार हो जाए. मोजार्ट के म्यूजिक से माहौल अच्छा बनता है. आई डोंट थिंक हम यहां म्यूजिक सुनने आए, है ना? जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट यू टू फॉल इन लव विथ माई वाइफ. क्यों? पर्सनल रीजंस. शायद तुमने डिवोर्स के बारे में सुना नहीं है. अगर तुम्हें वकील की जरूरत है तो आई कैन हेल्प यू आउट, यू नो. थैंक्स. लेकिन मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स नहीं देगी. वो मेरी वाइफ बने रहने में ही खुश है. यही पर तुम्हारी काबिलियत की जरूरत है, लव बॉय. अगर मेरी वाइफ तुमसे प्यार करने लगेगी तो वह खुद ब खुद मुझसे डिवोर्स मांगेगी. डिवोर्स के बाद वी कैन ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और तुम उसके साथ रहो या उसे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी. ही मस्ट बी आउट ऑफ माइंड. मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसे मार डालूं, जो मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ किलर. इसलिए तुम्हें हायर किया है. एक्सक्यूज मी, मैंने अब तक हाँ नहीं कहा है. और तुम ना भी नहीं कह सकते. दो वजह. एक, जो 30 लाख मैंने तुम्हें दिए उसे तुमने अपना कर्जा चुका दिया है. और दूसरी और खास वजह, शीना रॉय 3 साल पहले किसी अमीर एनआरआई के साथ सेटल हो गई थी. सुना है बहुत ही बोरिंग शादीशुदा जिंदगी बिता रही है. तुम इसके फैन हो? मैं ही वो बोर्ड अमीर एनआरआई पति. सॉरी. मेरे लिए सॉरी फील करने के लिए शुक्रिया. हमारी शादी एक समझौता थी, अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. मुझे उसकी खूबसूरती भा गई और उसे मेरा स्टेटस. मुझे क्या पता था शीना एक चैंपियंस ट्रॉफी है जो विनर के पास होती है सिर्फ दिखाने के लिए. उसके साथ जिया नहीं जा सकता. कल तक मैं खुद को एक बहुत ही गया गुजरा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे हो. आगे पीछे की बात छोड़ो, शीना को लेकर तुम्हारे साथ जो गुजरा है वो याद करो. क्या तुम उस अधूरी कहानी को पूरा नहीं करना चाहोगे? जहां तक मुझे पता है, there was a story, wasn't it? शीना एक ऐसी औरत थी जिसने तुम्हारी सो कॉल काबिलियत को काफी गहरी ठेस पहुंचाई थी, है ना? क्या तुम नहीं चाहोगे कि शीना को तुम अपने प्यार में उस हद तक ले जाओ कि जब तुम उसे छोड़कर जाने लगो वो तुम्हारे सामने किटकिटाए, पागल हो जाए? क्या तुम उस वक्त एक शिकारी की तरह महसूस नहीं करोगे जिसने आखिरकार एक शिकार कर डाला? शीना का प्यार हासिल करने के लिए 15 दिन काफी है? मेरी अदाएं जो है जरा धीरे असर करती है. मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता. इंतजार तो अब मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है. क्या? ना मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, ना आता पता.
मेरा नाम राजवीर सिंह, लंदन में मैनचेस्टर में रहता हूँ, विक्टोरिया मैंशन में। एक हफ्ते बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आई एक्सपेक्ट यू देयर। लंदन का टिकट तुम्हारे घर पहुंचाएगा। सेक्सी, जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल को ठंडक पहुँचती है। You're so cool। अगर तुम नहीं होती तो मेरे खाने पीने का क्या होता? Benz। Sorry सर। कब जाएगी तुम्हारी ये आदत? क्या करूँ सर, इतने बड़े मैंशन में अकेले परे परे मैं भी एक फर्नीचर बन गया हूँ। लेकिन आप और मैडम की तरह ये लोग मेरी बातों का बुरा नहीं मानते सर। 10 दिन इंतजार करने के बाद आई गेट दिस रबिश। अंदर का तापमान बहुत गर्म है सर। Shut up and listen to me। कब नहीं होता? लेकिन तुम क्यों कांप रहे हो? डरो नहीं, मैं हूं। यू कॉल दिस अ पार्टी ड्रेस? अगर मैं इसे पहन के जाऊंगी तो लोग ये कहेंगे कि मैं अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पे गई हूँ, एनिवर्सरी पे नहीं। मैडम, ये वर्साचे का लेटेस्ट है, इसके पहले तो किसी इंडियन ने इसे नहीं पहना। टू हेल विद वर्साचे। I'm Sheena Roy. जो मैं पहनती हूँ वो स्टाइल बनता है। Hello, sweetheart. Sheena जी, welcome back, darling. कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे, इंडिया गया था किसी बिजनेस के लिए। बताया तो था। अच्छा? Let me finish with him first. Look, तुम्हारा नाम जो भी हो, कल तक मुझे एक एक्सक्लूसिव पार्टी वेयर चाहिए जो Sheena Roy को सूट करे। Now is that clear? Yes, madam. लेकिन मैं इस ड्रेस का क्या करूं? मैं अभी बताती हूँ। राज, उस ड्रॉअर से कैंची देना। हाँ, एक शर्त पर। इसे तो मेरी जान तो नहीं लोगे ना? क्यों? मेरी जुबान कैंची से कम है क्या? आठ दिन में 10 ड्रेस का मॉडल। मैं ये सोल रेस्ट इन पीसेस। Zimbabwe and the charges against Morgan Tsvangirai. You can turn to bbcnews.com. Here's what's coming up on this program. A traumatic reunion with her family for a victim of Sierra Leone's vicious civil war. Stay with us. European space probe to another planet will be launched from Kazakhstan later today. The Beagle 2 robotic probe will travel 250 million miles to Mars. मानना पड़ेगा राजवीर, 3 साल से अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आज ही तुम्हारी शादी हुई है। थैंक यू। कितना अच्छा लगता है वेडिंग एनिवर्सरी में आना। आप यकीन नहीं करेंगे, कल हम एक पार्टी में गए थे जहाँ डिवोर्स सेलिब्रेट हो रहा था। रियली? कभी कभी डिवोर्स में शादी से ज्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, आने दो शीना को, सब बताती हूँ। कहाँ है वो? पिछले 6 दिन से ड्रेसअप करने की कोशिश कर रही है, शायद आज कामयाब हो जाए। हाय वीरू। Excuse me a second. Sure. तुम यहाँ ऐसे? अरे चौंकते क्यों? भूल गए क्या? तुम्हीं ने तो बुलाया था मुझे। लेकिन इन कपड़ों में, What's wrong with you? क्यों, इसमें बुराई क्या है?
और वैसे भी इस तरह की पार्टी में कपड़े क्या माने रखते हैं, जहाँ पे नशा चढ़ने के बाद हर कोई अपने कपड़े उतार देता है। हेलो। कम। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अगर शीना ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो लवर तो छोड़ो, अपना बटलर भी नहीं बनाएगी। कम उतर। अरे कम ऑन। ट्राई वन, शायद एक आध तुम्हें फिट आ जाए। ये तुम्हारा वार्डरोब है या शोरूम? तैयार हो जाओ, तुम्हारे जूते पॉलिश करने के लिए किसी को भेज देता। अरे रहने दो, दूसरों से जूते पॉलिश कराना यानी किसी और से अपनी बीवी को, अब मेरा मतलब है किसी और से अपने दांत ब्रश कराने जैसा होता है। सॉरी, नथिंग पर्सनल। मेरी बीवी को लेकर तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। गेट रेडी। ऑलराइट, फर्स्ट द सूट, देन द वाइफ। You know, darling, अगर आज मेरी बीवी होती तो मैं भी इसी तरह एक शानदार वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा होता। अच्छा, क्यों? तुम्हारी बीवी कहाँ गई? भाग गई। लुक ब्रदर, बीवी को संभाल के रखनी चाहिए। बहुत संभाल के रखा, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, फिर भी भाग गई। Can you give me some idea, क्यों भाग गई? अरे ये भी भाग गया, लेकिन तुम कहीं नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। Shall I get you a drink? Yeah, two, with ice? Okay, coming up. Are you enjoying the party? Do you know yeah, Maharaj is a maiden hen? Sure. Yeah. Meenu, excuse me. सच पूछो तो मैं इन कपड़ों में बटलर लग रहा हूँ। Very nice. वैसे शीना की नजर में हर आदमी बटलर ही है। There she is. तीन साल में बिल्कुल नहीं बदली। Your time starts now. Hello, sweetheart. Happy anniversary. Thank you. Beautiful, beautiful. रिकी शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तुम्हें अपने पति से पूछना चाहिए। You know each other? Do you know he's a dirty rotten scoundrel? अच्छा, तो तुम एक dirty rotten scoundrel हो? सिर्फ अगर कोई लेडी चाहे तो। Sweetheart, I forgot to tell you, Mansions of the World पे एक कॉफी टेबल बुक बन रही है और रिकी हमारे मैंशन को शूट करने आया है। Isn't that great? तुम्हें निशा याद है? कौन निशा? निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसने निशा के साथ प्यार का नाटक किया और इसी की वजह से निशा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। Now listen, I don't want to see this man in this house. Sweetheart. Just ask him to leave. Sweetheart, please relax. मुझे ये सब पता नहीं था और वैसे ऑलरेडी मैंने हाँ कह दिया। बस कुछ दिनों की बात है, ये फोटोग्राफ्स लेंगे मैंशन के और यहाँ से चला जाएगा। मैं उसे इस घर में एक पल के लिए नहीं देखना चाहती हूँ। उसे बोलो इस घर से निकल जाए। Oh.
कटे रतिया दीदार को कर से अखिया ना दिन गुजरे ना कटे रतिया झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला क्या बात है आज इतना रोमांटिक कैसे हो गए आज हमारी एनिवर्सरी जो है एनीवे थैंक यू क्यों तुम्हें एक और साल बर्दाश्त करने के लिए नहीं पार्टी में मेरे साथ रहने के लिए एनीवे गुड नाइट क्या आज की रात भी तुम मेरे साथ नहीं रहोगे एक छत के नीचे रहने वाली जरूरी नहीं कमरे में भी साथ में रहे पता है मुझे क्या लगता है एक दिन गुस्से में तुम मुझे मार डालोगे वो भी एक फ्लावर वास से कहा था ना आसान नहीं है क्या
किसी औरत को अपनी दीवानी बनाने के लिए सिर्फ डांस करना काफी नहीं है। पेशेंस वीरू, आज तो सिर्फ दो दिन हुए। यप, ये क्या? शीना की पसंद नापसंद की लिस्ट है। डूज एंड डोंट्स हैं। कभी उसे बहस मत करो, कभी उसे एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि तुम उसे ज्यादा स्मार्ट हो। ऑलवेज ड्रेस प्रॉपरली, खाना उंगलियों से मत खाओ। उसकी खूबसूरती की तारीफ करो, विच इज वेरी इजी, और उसकी अकलमंदी की तारीफ करते रहो, जो बहुत मुश्किल है। Call you back. कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल? बिजनेस। तुम्हारे इस प्लान के बारे में और कोई जानता है? कोई नहीं, और ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी को तुमसे अलग करने आया हूं ना, कोई और गेम तो नहीं खेल रहे हो तुम? अगर मुझे कोई गेम खेलनी होती तो तुम्हें क्यों हायर किया? आई डोंट प्ले गेम्स, और मैंने कहा आई एम नॉट अ किलर। लिस्ट में लिखी बातें याद कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता तुम अपनी बीवी को जानते हो। तो क्या तुम जानते हो? मुझसे बेहतर औरतों को कोई नहीं जानता। गुड बाय। How dare you? मेरी फोटो लेने की तुमने हिम्मत कैसे की? Excuse me, मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीज का फोटोग्राफ ले रहा हूँ। स्टेकेस, कमाल की कारीगरी है, वाह। Can you please step aside? You're on the way. Really? राज, राज ये यहाँ और कब तक रहने वाला है? कहा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, बस 10 दिन, वो भी अगर आप बीच में इंटरफियर ना करो तो। वैसे स्टेयरकेस कमाल का है राजवीर, मैं समझता हूँ हम इसे बुक के कवर पेज पे छापेंगे, आपको क्या लगता है? गुड आइडिया। ये तरीका जो तुम अपना रहे हो सही नहीं लगता, और शीना तुम्हारी जिंदगी में आई दूसरी औरतों जैसी नहीं है। किसी के बस में हो जाना हर औरत को अच्छा लगता है, और तुम्हारी बीवी दूसरी औरतों से अलग नहीं है। ये फूल तुम्हारी बीवी के लिए ले रहा हूं, बिल भर देना। अब शायद इस मैंशन की दीवारें मुझसे ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही होंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना ही पड़ेगा। वाज फेंकने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, जो मेरा कैमरा तुमने 3 साल पहले तोड़ा था उसकी कीमत थी 1.5 लाख, जो तुमने अब तक नहीं चुका है। हा? और ये कैमरा उससे भी ज्यादा महंगा है, सोच लो। शीना सूरज की रोशनी कभी भी मैंशन पे पड़ सकती है और ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। आई डोंट मिस दैट। नाउ विल प्लीज मूव आउट।
प्लीज। मेरी बीवी के कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को बाथरूम में गाते सुना तो। तो क्या? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार तुम अपनी बीवी के साथ उसके बाथरूम में कब थे? क्या मतलब है तुम्हारा? अक्सर हस्बैंड के साथ यही प्रॉब्लम होता है, एक तरफ तुम अपनी बीवी को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हो और जब मैं ये काम कर रहा हूं तो तुम्हें जलन हो रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? रिलैक्स, मैं तुम्हारी बीवी के साथ उसके बाथरूम में नहीं था। बकवास बंद करो और सुनो, अगर शीना को इस बात की भनक लग गई कि तुम क्या करने जा रहे हो तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म और साथ में मेरा भी। एक बात और, ये तुम्हारा फोटोग्राफी का तमाशा जरूरत से ज्यादा मत करो। आपके लिए कंसाइनमेंट आया है। मेरे लिए? पर मैं तो कोई कुरियर एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। वो कुरियर मेरा है, संभाल कर यहाँ लेके आएंगे आप। थैंक यू। ये संभाल कर वहां रख देना और ये मुझे दे दो। क्या देख रहे हो? इंग्लैंड की रानी भी इसे छुरी काटे के साथ नहीं खा सकती है, ऐसे खाना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुम्हारे इन बेहुदा टेबल मैनर्स के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन पैकेट्स में क्या है। ये मेरा घर है और यहाँ क्या आता है ये जानने का मुझे हक है। हक है, हक है, पूरा हक है। अपना हक जताइए ना, पैकेट्स खोल के देख लीजिए। इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने कमरे में जाकर देख सकता हूँ? थैंक यू। क्यों नहीं लेते? देख लो, why are you torturing yourself?
कहाँ जा रहे हो? You were right, he's a dirty, rotten scoundrel. मैं उसे एक पल और नहीं रुकने दूंगा। मेरी बीवी के फोटोग्राफ खींचेगा वो? Just a minute. Raj, I'll handle this. नहीं शीना, मैं तुम्हें उसके सामने नहीं जाने दूंगा। तुमने अपनी बीवी को हमेशा अंडरएस्टिमेट किया है। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। जो भी है, यह आदमी अपने काम में जीनियस है। आखिर कब और कैसे खींचे उसने ये फोटोग्राफ्स? जीनियस फॉर श्योर। राजवीर, अगर तुम्हें मेरे फोटोग्राफ्स अच्छे लगे हो तो जी खोलकर मुस्कुरा तो दो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। तुम्हारे गुस्से से लगता है तुम्हें मेरा काम पसंद आया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे फोटोज खींच रहे हो तो ये फोटोज और भी अच्छे हो सकते थे। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो इन तस्वीरों को देखकर जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है वो नजर नहीं आती। तुम्हारा पति कभी भी अंदर आ सकता है और कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई गैर आदमी उसकी पत्नी की तस्वीरें इस तरह खींचे। बेहतर यही होगा कि तुम ये तस्वीरें अंदर छुपा दो। By the way, अगली बार फोटोज कब खींच रहे हो? इस मैंशन के? Don't start anything you can't finish.
दो चाहे दिल, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं जलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी जान है पिघलती। नहीं तेरे सिवा है, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं जलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी जान है पिघलती। ऐसे क्या देख रहे हो? आज तो सिर्फ 12 दिन हुए, कल तो तुम्हारे प्यार की 13वीं है। तुम्हारी शादी का अंतिम संस्कार होने वाला है। स्माइल। तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी जान है पिघलती। Sell anything you can't finish. Thank you.
ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। गेट रेस्ट, फिर हमारे कमरे में जाकर कुछ जरूरी बात करते हैं। सो I don't know what to say. क्यों? What's the problem? किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार कर तुम मुझसे पूछ रही हो what's the problem? क्यों? इसमें गलत क्या है? मैंने वही किया जो एक नारी को शादी के बाद करना चाहिए। What do you mean? तुम्हारे साथ साथ फेरे लेते वक्त मैंने एक कसम ये भी खाई थी कि मैं अपने पति के नक्शे कदम पर चलूंगी। और डार्लिंग, मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर ही तो चल रही हूं। तुम्हें क्या लगा शादी के बाद तुम दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते रहोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? शादीशुदा होकर जब तुम कुछ भी कर सकते हो देन व्हाई कांट आई बी हैप्पी? मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। अगर तुम उस लड़की के साथ रहना है तो चले जाओ उसके साथ, लेकिन उससे पहले हम तलाक ले लेते हैं कि मेरी डिवोर्स। ये डिवोर्स की बात कहां से आ गई? देखो राज, तुम तीन चीजें अच्छी तरह से समझ लो। मैं मिसेज राजवीर बनकर इसी घर में रहूंगी तुम्हारे सामने, रिकी भी इसी घर में रहेगा तुम्हारे सामने, और आइंदा कभी डिवोर्स की बात मत करना मेरे सामने। तुम मेरे ही घर में मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। भूल गए? We had a prenuptial agreement, जिसके हिसाब से तुम्हारी हर चीज पर मेरा भी बराबर का हक है। 50-50, it's legal, darling. और अब ये jealous husband की तरह behave करना बंद करो। It doesn't suit you. Anyway, now will you please leave? कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। अब मुझे सोना है। Goodbye. नहीं मैं तुम्हारे इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करूं। तुम्हारा मेरे साथ डील हुआ था कि मैं तुम्हारे वाइफ को सेड्यूस करूं ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए और वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, लेकिन अब अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम यहां से चले जाओ फौरन। रिलैक्स फिरू, चला जाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है ना कि कल रात के बाद तुम्हारी बीवी मुझे चाहने लगी है और मैं यहां से तब तक नहीं जा सकता जब तक वो मुझे परमिशन न दे। और एक और बात है, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा शीना का है। तुम ही बताओ वीरू, मैं तुम्हारी बीवी और ये प्रॉपर्टी छोड़ के कैसे जाऊं? वीरू, विश मी लक, सी यू अराउंड।
Sheena? Sheena, let's go, we're getting late. क्या मैं जान सकता हूं मेरी बीवी कहां जा रही है? जेलिस, जब तुम किसी दूसरी औरत के साथ बाहर जाते थे, अपनी बीवी को बताकर जाते थे कहां जा रहे हो? कम ऑन, बी अ ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड। रिकी, लेट्स गो। We'll be right back.
बीच रास्ते में क्यों खड़े हो वीरू? तुम गलत रास्ते पीछे जा रहे हो। मुझे इस रास्ते पे लाने वाले तुम ही थे और अब लगता है तुम रास्ते पे आ गए हो। हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आई डोंट नो यार, बहुत थका हुआ हूँ। फिर कभी? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, छोटी सी बात करनी है। नाइस कलेक्शन वीरू, ये जगह मेरे लिए तो नहीं रखी ना तुमने? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना, आई एम नॉट अ किलर। तुम्हारा रिटर्न टिकट महंगा पड़ा मुझे, फिर भी ले लो। ₹50,00,000। तुम कमाल के बिजनेसमैन हो वीरू, हमेशा मेरी औकात से ज्यादा पैसे देते आए हो। पहले तुम्हारी बीवी के करीब आने के 30,00,000 और फिर दूर जाने के 50,00,000। लगता है कि तुम्हारे अंदर के पति को जलन हो रही है ना? अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर नहीं है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं शीना से मांग सकता हूं। एक और बात है, मैं तुम्हारे कहने पे शीना को तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे शीना से प्यार हो गया। आई एम इन लव विद शीना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी किस्मत पे हंसूं या तुम्हारी तकदीर पे रोऊं। ये रिटर्न टिकट कैंसिल कर दो, मैं अभी यहीं रहूंगा। सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हो तो आज के लिए। मैं यही सोच रहा था कि अगर यही प्यार है तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुम्हें पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। क्यों? वरना तुम मुझे कैसे मिलते? क्या कर रहे तुम? Are you out of your mind? I'm sorry, Sheena. I made a mistake. मैं बेवकूफ था जो तुम्हें निगलेक्ट करता रहा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें खो दिया है। कोई तो तरीका होगा तुम्हें वापस पाने का। Too late, Raj. मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है जो मुझे समझता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे पागल नहीं बनाता कि मैं चीजें तोड़ूं। मैं थक गई हूं राज, अब मैं थमना चाहती हूं। For God's sake, Sheena, जिस आदमी से तुम नफरत करती थी, जिसकी शक्ल देखना तुम पसंद नहीं करती थी, उस आदमी के सोकॉल प्यार पे तुम्हें भरोसा है? हम औरतों में एक सिक्स सेंस होती है राज, किस आदमी पे भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं।
यह हमें पता चल जाता है। गुड बाय राज। शीना, 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 प्लीज डोंट गो, शीना, शीना रुक जाओ, शीना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, शीना प्लीज, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है, उस रिकी का नहीं, शीना प्लीज, I promise I'll make it up to you, शीना प्लीज, मत जाओ शीना, कल तुम्हारा बर्थडे, शीना, शीना प्लीज, मेरा बर्थडे याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, द बेस्ट बर्थडे पार्टी जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी, प्लीज डोंट गो, प्लीज शीना। अब तो मेरा सूट वापस कर दे। मुश्किल है क्या है ना कि अब मुझे तुम्हारी हर चीज की आदत हो चुकी है, सूट की और आदतें महंगी पड़ सकती हैं। ठीक है खरीद लेंगे, बैरर चेक जो है मेरे पास। तारीफ कर रहे हो या इल्जाम लगा रहे हो? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sheena, happy birthday to you. फैशन शो था इसीलिए मैं तुम्हारी एनिवर्सरी पे नहीं आ पाई, लेकिन मैंने तो डिसाइड किया था कि तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं जरूर पहुंचूंगी। माय गॉड यू लुक लाइक फैंटास्टिक एंड दिस इज वन ऑफ माय क्रिएशंस, दैट्स लाइक अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। ये रिकी क्या कर रहा है यहां? वो एक्चुअली इस मैंशन की फोटोग्राफ्स लेने आया है और तुमने तुम्हारे घर में उसे आने दिया उतना सब होने के बाद? मैंने नहीं निशा, राज ने, और वैसे भी तीन चार दिन में जा रहा है वो। थैंक्स बेंस। यस मैडम। बेंस लुक आफ्टर हर, आई जस्ट सी यू इन अ व्हाइल। हां केयर फॉर ड्रिंक मैम। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। निशा को यहां तुमने बुलाया? हां क्यों, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है। What's wrong? Hi Nisha. Don't talk to me. और मेरी बात सुनो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm extremely sorry. I am. Oh, अब समझा। तो तुम्हें जलन हो रही है। निशा पहले रिकी से प्यार करती थी और अब तुम रिकी से। स्वीटहार्ट अभी भी देर नहीं हुई, लौटा।
It's not gonna work. Lotta. और वैसे भी पुरानी बातों को कुरेदने से अच्छा है कि हम यहाँ पे समझदारी से पेश आए। भेड़िया बकरी कब से बन गया? मुझसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। शीला, शीला,
आई लव यू शीना, शीना आई लव यू। शीना मेरी बात सुनो, शीना कहाँ जा रही है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, डोंट लीव मी अलोन, मेरी बात सुनो प्लीज, आई लव यू, आई लव यू, डोंट लीव मी अलोन प्लीज। पहले तुमने मेरी वजह से उसकी बेइज्जती की थी, आज उसी का बदला उसने मुझसे लिया। नहीं निशा, रिकी ऐसा नहीं कर सकता, वो पहले जैसा नहीं है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है, बदला लेने के लिए वो तुम्हारे पैसों से तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ अय्याशी कर रहा है। वो रिकी को बदनाम करने के लिए तुम झूठ बोल रही हो, तुम फिर उसे पाना चाहती हो निशा। नफरत करती हूँ मैं उससे, और मैं झूठ क्यों बोलूं? अगर रिकी ने मुझे अपने करतूतों के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। नशे में बार बार यही बात कहता था कि दिन रात तुम्हारी बाहों में रहता है, तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता है। शीना, शीना, what are you doing? शीना मेरी बात सुनो, शीना। निशा के साथ क्या किया? मोरी भी निशा के साथ मैंने। Don't lie to me. शीना मेरी बात सुनो, मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था, मुझे सिर्फ तुम नजर आ रही थी। You son of a bitch. तुम कभी सुधर नहीं सकते। शीना मेरी बात सुनो प्लीज। Don't touch me. गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। तुमने शीना रॉय को धोखा दिया। शीना, I love you. What's wrong with you, शीना? सब ठीक हो जाएगा। Just relax. Everything is going to be okay. Don't worry. Nisha, कल रात यहां जो भी हुआ किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना पार्टी खत्म होने के बाद तुम यहां से चली गई थी, समझी? अब तुम्हें यहां से फौरन जाना चाहिए।
Steve Bakshi, Special Investigating Officer. Indian? पूरी तरह से नहीं. अभी इतना करप नहीं हुआ हूं. So don't expect any favors. Boys, any clues yet? Not yet. Hmm? Well, I want a report and I want it quick. Right, sir. Ricky Sharma एक फोटोग्राफर था जो लंदन में शूट करने आया था. मेरी वाइफ उसे जानती थी इसलिए मैंने उसे यहां रहने की परमिशन दी. I see. तो कल रात जब खून हुआ तब आप कहां थे? कल रात मेरी वाइफ की पार्टी देर तक चली. पार्टी खत्म होने के बाद थक कर हम सो गए थे. सुबह बेंज ने, हमारा बटलर, उसने रिकी की लाश देखी और हमें बताया और मैंने आपको फोन किया. वैसे आपने रिकी को पार्टी में आखिरी बार कब देखा था? वक्त पता नहीं लेकिन वो बहुत शराब पी रहा था और कोई लड़की साथ में थी. कौन थी वो? मेरी पार्टी में दूसरों के साथ आई लड़कियों के बारे में जानने की मुझे आदत नहीं. काफी तेज लगती है. मर्डर वेपन लेकर फरार हो गए. स्टॉप दैट विल यू. सॉरी, डिड आई डिस्टर्ब यू? मैं रिकी के बैग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स देखना चाहता हूं. श्योर, इट्स इन हिज रूम. So, Mr. Rajveer Singh, आपने कहा था रिकी शर्मा लंदन सिटी शूट करने आया था. तो फिर ये सब क्या है? मेरी बीवी की तस्वीरें. वो तो मैं भी जानता हूं लेकिन आपकी बीवी की ऐसी तस्वीरें रिकी के कमरे में? रिकी ने ये तस्वीरें चोरी छिपे ली थी और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था. मतलब रिकी का खून करने के लिए आपके पास काफी ठोस वजह थी. ऑफिसर, आई एम अ बिजनेसमैन, नॉट अ किलर. इन फोटोग्राफ्स की मैंने कीमत चुकाई है, 50 लाख. हाँ, मैं जानता हूँ. रिकी के बैग से वही चेक बरामद हुआ है. वैसे 50 लाख, इतनी बड़ी रकम? मेरी बीवी के लिए. मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते. नहीं नहीं, मैं तो सीधा खून ही कर देता. वैसे आपकी बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता रिकी ने फोटोग्राफ्स कवर कैसे खींचे. क्या आपको पता रिकी इन फोटोग्राफ्स के जरिए आपके पति को ब्लैकमेल कर रहा था और आपके पति ने उसे 50 लाख रुपए दिए थे? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, शीना इसके बारे में कुछ नहीं जानती. ये बात सिर्फ मेरे और रिकी के बीच थी. एनीवे, दिस इज एन ओपन शट केस. अक्सर बड़े से बड़ा क्रिमिनल कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है. मुझे कल के पार्टी में आए हुए मेहमानों की एक लिस्ट चाहिए. मिल जाएगी. एंड गिव मी 2 डेज. गुड बाय मैम. ओप्स, सॉरी सर. ये क्या है? लॉन्ड्री के कपड़े हैं. और ये? ये भी लॉन्ड्री के कपड़े हैं सर. तुम्हारा नाम बेंस है ना? यस सर. तुम्हें बात करने का बहुत शौक है ना? नहीं. चलो मेरे साथ.
लेकिन ये कपड़े धुलवाने हैं। मैं धुलवा दूंगा। Come on, let's go. सर आपकी भी लॉन्ड्री है। राज, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे भी इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने तुम्हें खो दिया। दरअसल गलती मेरी थी। I took you for granted. नहीं राज, गलती मेरी थी। I'm so sorry. राज, लगता है उस इंस्पेक्टर को हम पे शक हो गया है। शक करना उसका पेशा है, उसी की तनख्वाह लेता है। Hey, don't worry. गेस्ट लिस्ट से मैंने निशा का नाम हटा दिया है। Don't worry. चलो। मिस्टर राजवीर सिंह, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या सुनना पसंद करेंगे आप? Obviously, the good news. Good news ये है कि कातिल का पता चल गया। और bad news ये है, कातिल आपकी बीवी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको ये ड्रेस याद है? Mrs. Sheena? Of course. How stupid could I get? How could you not remember your own dress? तो आपको ये भी याद होगा कि आखिरी बार जब आप रिकी शर्मा के साथ थी तब भी आपने ये ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि इस ड्रेस पे लगे खून के धब्बे रिकी शर्मा के खून से मिलते हैं। आपको सबूत चाहिए। ये रहा ब्लड का फोरेंसिक रिपोर्ट। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं था। वैसे आपका बटलर बहुत कोऑपरेटिव निकला, मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये बटलर्स भी क्या क्या बोल देते हैं। कह रहा था कि मैडम और रिकी शर्मा के बीच नाजायज रिश्ते थे और इसी रिश्ते की वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ और फिर मैडम ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। मैं सच कह रहा हूं मिस शीना। थैंक्स, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मिसेस शीना राजवीर सिंह, आई हैव टू अरेस्ट यू फॉर द मर्डर ऑफ मिस्टर रिकी शर्मा। आप दोनों को मैं 2 मिनट की फुर्सत देता हूं, आखिरी गुड बाइस कर लीजिए। ऑफिसर, शक्ल से आप होशियार दिखते हैं लेकिन कान के बहुत कच्चे हैं। वैसे एक बात पे हम दोनों के ख्यालात मिलते जुलते हैं। आपने सिर्फ खून करने की बात की थी, मैंने तो कर दिया। रिकी का खून मैंने किया, शीना ने नहीं। उस रात शीना रिकी को यहां से चले जाने के लिए समझा रही थी लेकिन नशे में रिकी ने शीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शीना की चीखें सुनकर मैं बेसमेंट में पहुंच गया। रिकी की हरकतें मुझे देखी नहीं गई और मैंने उसे मार दिया। मर्डर वेपन, वो जो तलवार है, मैंने छुपा दी। शीना के कपड़ों पे जो खून के धब्बे हैं, दरअसल वो मुझसे लिपटने से लगे हैं। वो मुझे बचाना चाहती है इसलिए छुप है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? This could be held against you in a court of law. मुझे मंजूर है, बस एक रिक्वेस्ट। मैं शीना से बहुत प्यार करता हूं इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस मामले में उसका नाम कहीं भी आए।
तुमने ऐसा क्यों किया राज? अपना प्यार साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रॉमिस में ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। शीना, शीना रुको, मेरी बात तो सुनो। शीना, ऑफिसर, आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? डिपेंड्स। ये मेरी बीवी को पहुंचा दीजिए। मैं क्या तुम्हें डिलीवरी बॉय नजर आता हूं? Maybe it's a dying man's last wish. क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी? Shina, I love you. Shina, I love you. Come to me, Shina. Shina, come to me. I love you, Shina. Shina, I love you. कौन? Are you all right? I'm fine. आप यहाँ? आपसे जरूरी बात करनी है, मिस्टर राजवीर की तरफ से। जब भी साहब डिस्टर्ब होते थे, हमेशा स्ट्रेस बॉल के साथ खेला करते थे। कभी आजमा के देखिए, इट रियली वर्क्स। थैंक यू सर। मैम, योर ड्रिंक। हैव अ गुड इवनिंग। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी ना। सॉरी, मैंने पेपर्स पढ़ लिए थे। आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं।
इन दीवारों से ये आवाज कैसी? कुछ साल पहले मैंशन में चोरियां हुई थी, इसीलिए सारे कमरों में कैमरास लगे थे। कैमरास? हाँ, पर पिछले ही महीने सारे कैमरास को निकाल दिया गया, शायद उसी की वजह से। आपने तो कहा था कि सारे कैमरास निकाल दिए गए थे, तो फिर ये क्या? शीना, मैंने मार डाला उसे। तुमने कुछ नहीं किया। मैंने मार डाला उसे। शीना, मेरा यकीन करो, तुमने कुछ नहीं किया। Just trust me, मैं संभालूंगा। शीना, मैं संभालूंगा, ओके? बेसमेंट कैमरा कैसे रह गया? I'm so sorry, Sheena. It's all my fault. बाकी की जिंदगी इस ख्याल में गुजार लूंगी कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास जो भी है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। नहीं शीना, प्लीज डोंट डू दिस। मैं नहीं ले सकता ये सब। प्लीज, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। डोंट शीना, प्लीज, आई कैन नॉट टेक दिस। क्यों?
तुमने भी तो अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, और फिर मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो माफी के काबिल भी नहीं। दिस इज माई टोकन ऑफ लव फॉर यू राज, आई वॉन्ट यू टू हैव इट। आई मिस यू शीना, आई मिस यू। मैम, गुड ट्राई मिस्टर राजवीर, आपका प्यार वाकई बेमिसाल है। जस्ट वन क्वेश्चन, आपने पैलेस के कमरों में खुफिया कैमरे लगाए थे? हाँ, वो कुछ साल पहले इस मैंशन में चोरी हुई थी इसलिए। लेकिन बाद में आपने सारे कैमरे हटवा दिए थे, सिर्फ बेसमेंट के कैमरे को छोड़कर। रियली? शायद मैं भूल गया। और ना ही वो कैमरा ऑफ करवाया था जिसमें मर्डर का सबूत था, क्यों मिस्टर राजवीर? अगर ये सारी बातें मैं सुलझाऊं तो आप क्या करेंगे? आफ्टर ऑल यू आर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आप दोनों मेरे साथ बेसमेंट में चलेंगे, आई शैल फिक्स यू बोथ अ नाइस ग्लास ऑफ वाइन। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी ना? इसका मतलब जानबूझकर मुझे सारे क्लूज दिए गए? Token of love for you. We made it. Raj, तुम सजाए मौत तक पहुंच गए थे, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मैं ये जायदाद कैसे हासिल करता? और फिर मैं चाहता था कि दुनिया मुझे एक ऐसे पति की तरह याद रखे जो अपनी बीवी के प्यार में इस हद तक पागल था कि उसके लिए मौत को भी गले लगा सकता था। Because I'm not a killer. I'm a lover. Driver. Sir. Let's go. Yes, sir. Just a minute. Officer. Don't stress. Have a good day.
ये इस तरह क्यों देख रहा है? कैसे पता नहीं कि ऐसा ही होता है अक्सर अक्सर अक्सर। अक्सर दिल तुझे याद कर।